करते हैं। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक एक अर्थात उपन्यास साहित्य में हमने पहला उपन्यास संपूर्ण किया था। पहले उपन्यास का नाम अमिता जो यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है, यशपाल जी पर, इस पर हमने दो तीन गूगल फॉर्म परीक्षाएं भी ली हैं और सभी वीडियो रिकॉर्डिंग भी डाल दिए हैं। पांच तासिका हमने विशेष तौर पर उपन्यास पर की थी, जिनका अध्ययन आपने लगभग किया है। अब देखिए, इसमें प्रश्न किस प्रकार के आ सकते हैं ये तो आपको पता चल गया है। अब केवल दो मिनट में हम उस पर चर्चा करके हम अगले उपन्यास की ओर जाएंगे, जिसका नाम आपका बंटी है। अमिता उपन्यास एक सम्राट अशोककालीन या जिसे राजनीतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से बौद्धकालीन उपन्यास कहा जाता है, उस पर आधारित है। इसमें तत्कालीन ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म में संघर्ष दिखाया गया है और अंत में बौद्ध धर्म की विजय किस प्रकार हो जाती है उसको भी दिखाने का प्रयास किया है। और उसके उपरांत इसके जो पात्र हैं, वो पात्र अगर आप ध्यान में रखें तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन से पात्र हैं इसमें, उनको लेकर के ज्यादा चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूरी है कि हमें अधिक से अधिक पात्रों को ध्यान में रखें, जैसे कि अमिता है, अमिता की माँ नंदा है, अमिता के पिता करवेल हैं, इस कलिंग राज्य के महामात्य आचार्य सुकंठ हैं, महासेनापति भद्रकीर्ति हैं, महामात्य सुकंठ के पुत्र का नाम मयंक है, महासेनापति सिंहकीर्ति भद्रकीर्ति के पुत्र का नाम सिंहकीर्ति है, जो इस उपन्यास का विलन है उसका नाम है नगर सखा राज सखा नगर सेठ सौमित्र वासल और पद्मज उसके मित्र हैं। शंख नाम का एक पशु व्यापारी और यहाँ प्राप्त होता है, दिखाई देता है। अगर अंतपुर को देखा जाए तो हिता एक दासी है, हिता की माँ वापी है और हिता का प्रेमी मोद है, मोद जो ज्येष्ठक विठल का नौकर है, दास है और वह चित्रकारी के लिए यहाँ आता है। एक और महत्वपूर्ण पात्र वृद्ध गायक लोहित, लोहित का भी एक महत्वपूर्ण पात्र है। और उसके उपरांत हम देखते हैं कि छोटे मोटे कुछ पात्र हैं, जैसे कि गांव के वेणुक ग्राम के ग्रामस्थ हैं या फिर महास्थवीर जो बोधी इसमें रहते हैं, तो ये बहुत जरूरी चीज है कि आप इस बात को समझें कि अमिता उपन्यास में जो संघर्ष बताया गया है उस संघर्ष को आपको समझना पड़ेगा। और उस संघर्ष को समझने के उपरांत आपके ध्यान में आ जाएगा कि किस प्रकार से तत्कालीन बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, बौद्ध लोगों के द्वारा किस प्रकार से अहिंसा का प्रचार किया जा रहा था, परंतु उसका उल्टा परिणाम देश के व्यवस्था पर भी हो रहा था। और यह बहुत जरूरी है कि आप ये समझें कि अमिता उपन्यास में जो हमें दिखाई देता है कि यह किस प्रकार से
एक धार्मिक संघर्ष के चलते हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और अंत में एक बालिका के भोलेपन की विजय दिखाई गई है, जिसके माध्यम से एक क्रूर कर्मा शासक, जिसने अपने भाइयों का वध किया था, जिसने अनेक देश जीते थे, लेकिन वह एक बालिका के भोलेपन के सामने आकर के विवश हो जाता है, और आगे चल करके दिखाई देता है कि उसने ये प्रतिज्ञा की कि किसी का मत छीनो, किसी को डराओ मत, किसी किसी को सताओ मत, अगर करना है तो प्रेम से राज करो। और अंत में यह जो अशोक चंड अशोक है, वह प्रियदर्शी अशोक बन जाता है, और अपने शिलालेखों पर अंकित करवाता है कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, और बिना युद्ध के ही धर्म की जय, जिसको कहा जाता है, या यूं कहेंगे कि अहिंसा की जय, बौद्ध धर्म की जय, इस प्रकार से यहाँ प्रकट करने का प्रयास किया है। अब देखिए, जब हम दूसरे उपन्यास की ओर जाते हैं, यानी पहले उपन्यास को हम यहाँ करते हैं, और इसमें से जितने प्रश्न आ सकते हैं वो प्रश्न हम आपको दे चुके हैं और भी देने का प्रयास करेंगे। अब दूसरा उपन्यास, ध्यान रखिए, आपकी परीक्षाओं का प्रथम वर्ष का टाइम टेबल अभी घोषित नहीं हुआ है, इसलिए हम ज्यादातर इस उपन्यास को भी पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यह समीक्षात्मक रीति से देखने का प्रयास करेंगे। यानी जिस प्रकार से हमने कथानक पूरा अमिता का बता दिया, क्योंकि आपको वहां के शब्द, उस काल के शब्दों को समझना बहुत जरूरी था, इसलिए वह हमने कथानक पूरी तरह से, यानी पूरे के पूरे जो 13 प्रकरण है, उसका सार सार हमने आपको बताने की कोशिश की है, परंतु उस प्रकार से आपका बंटी को इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसका कारण यह है कि आपका बंटी इस उपन्यास में ऐतिहासिक कोई बात नहीं, अपितु पति पत्नी के संघर्ष की बात है, जो आमतौर पर हम देखते हैं। और जैसा कि इसके पहले भी हमने कहा था कि अमिता और आपका बंटी दोनों ही बाल मनोविश्लेषण पर आधारित उपन्यास हैं, और इस उपन्यास के लिए इन दोनों उपन्यासों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो चुका है, और बाल मनोविश्लेषण में ये बात होती है कि उसमें अधिकतर आपको जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी मानसिकता को समझना पड़ता है, और इस मानसिकता को समझते समझते आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सम्मुख आनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा अमिता को पीछे रख करके आपका बंटी की ओर जाते हैं। मुझे पता नहीं अगली आपकी तासिका ऑनलाइन है या नहीं, हम थोड़ा सा 9:30 बजे तक, जो 9:20 बजे तक हर रोज चलता था, 9:30 बजे तक आज की तासिका एक्सटेंड करके पढ़ाएंगे, जैसे कि कल भी थोड़ा बहुत हमने आगे जाने की कोशिश की थी। देखिए, आपका बंटी यह मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखित बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। मन्नू भंडारी जी का निधन अभी 1 महीने 1.5 महीने पहले हुआ है, और आपका बंटी यह एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित उपन्यास है, और यह एक बहुत ही चर्चित और कालजयी उपन्यास है। अगर हम थोड़ा सा और बातें करें, आपका बंटी उपन्यास यह जो हिंदी अध्यापक बनने के लिए एमए होने के बाद नेट सेट की परीक्षा होती है, उसमें यह लगाया हुआ उपन्यास है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है।
और आपका बंटी इस उपन्यास का पहला प्रकाशन 1989 में हुआ, उन्यासी में हुआ था, 1979, 1979। और इसमें माता पिता के आपसी अहंकार की टकराहट से किस प्रकार से एक छोटे बच्चे का जीवन बर्बाद हो जाता है, इसकी ओर हमें ध्यान देना है। मैंने इस पर की एक पीडीएफ भी डाली थी, शायद आपने देखी होगी। देखिए, अपने माँ बाप के अलग होने, मतलब माता पिता में डिवोर्स हो जाता है, तो कभी माँ के पास रहता है, कभी पिता के पास रहता है, कभी सौतेली पिता के पास रहता है, कभी सौतेली माता के पास रहता है, कभी सौतेली भाइयों के बीच रहता है, कभी सौतेली बहन के बीच में रहता है। तो इस प्रकार से एक खंडित व्यक्तित्व वाला यह जो बंटी है, जिसका मूल नाम अरूप बत्रा है, ध्यान दें, परीक्षा में ऐसा पूछा जा सकता है कि बंटी का पूरा नाम क्या है, तो उसमें आपको अरूप बत्रा, अरूप अरुण बत्रा लिखना पड़ेगा, या कोई और होगा उसे चयन करना पड़ेगा। देखिए कि जीवन को चलाने और निर्धारित करने वाली कि कोई भी स्थिति कभी भी एक जैसी नहीं होती, एक हरी नहीं होती, उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते जाते हैं, और इसके पीछे एक साथ अनेक और कभी कभी बड़ी विरोधी प्रेरणाएं निरंतर सक्रिय रहती हैं, और यही इस उपन्यास में दिखाने का प्रयास किया है। इस उपन्यास में जो मुख्य पात्र हैं, ध्यान दीजिए, जो मुख्य पात्र हैं उसमें बंटी मुख्य बाल पात्र है। और ध्यान रखिए, मैंने इससे पूर्व भी आपसे एक सिनेमा की यूट्यूब लिंक शेयर की थी, जिसका नाम है समय की धारा। ये आपका बंटी उपन्यास पर आधारित है, हालांकि उसमें बहुत कुछ परिवर्तन कर दिया है, लेकिन फिर भी वो देख करके आप इस उपन्यास का मूलतत्व समझ सकते हैं। आपका बंटी में बंटी एक मुख्य बाल पात्र है, बच्चा है छोटा सा, जो एक माता पिता के होने के बावजूद अनाथ की भांति अपना जीवन व्यतीत करता है। माता के पास रहते हुए उसे पिता की याद आती है, पिता के पास रहते हुए उसे माता की याद आती है, सौतेली माँ के रहते हुए माँ की याद आती है, सौतेले पिता के पास पिता की याद आती है, और ऐसा करते करते उसकी जिंदगी दूभर हो जाती है। यह एक महत्वपूर्ण पात्र है, या इस उपन्यास का केंद्रस्थ पात्र है। और दूसरा महत्वपूर्ण पात्र है शकुन, या शकुंतला, शकुंतला बत्रा, शकुंतला बत्रा जो अजय बत्रा की पत्नी है। अजय बत्रा बंटी के पिता है और शकुन बत्रा बंटी की माँ है, लेकिन ये माँ केवल माँ नहीं है, अपितु एक कॉलेज की प्रिंसिपल है, या स्कूल की प्रिंसिपल कहें, स्कूल की प्रिंसिपल है, प्रधानाचार्य है, और आधुनिक तथा स्वतंत्र विचारों वाली है। अजय बंटी का पिता है और एक सफल बिजनेसमैन है, सफल व्यवसायी है, और दोनों की अहंकार की टकराहट जब हो जाती है तो बच्चे पर क्या गुजरता है, यह हम देखते हैं। एक और महत्वपूर्ण पात्र है वकील चाचा, जो इन दोनों का डिवोर्स रोकने का प्रयास करते हैं। ध्यान दें, आजकल डिवोर्स के प्रकरण बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन ये जो उपन्यास लिखा जा रहा था तब डिवोर्स नया नया आया था भारतवर्ष में, मतलब संबंध विच्छेद कानूनन मंजूरी उसे मिली थी, और यह संबंध विच्छेद न हो इसलिए वकील चाचा प्रयास कर रहे थे। इसके उपरांत हम देखते हैं कि वकील चाचा की सबसे बड़ी भूमिका क्या है, कि वह बंटी के लिए अपने पिता की खबर लाया करते थे। वकील चाचा बंटी के लिए अजय बत्रा की खबर लाया करते थे, और साथ ही साथ कभी कभी वह उसके पिता के द्वारा, अजय बत्रा द्वारा भेजे गए, अरूप बत्रा या बंडी को भेजे गए खिलौने भी, मैकेनो भी, को कभी साइकिल, छोटी साइकिल, ये सब ले आते थे। अब अगली पात्र है एक फूफी, फूफी नाम का एक पात्र है। यह शकुन के घर में, शकुंतला बत्रा या बंटी की माँ के घर में काम करने वाली एक नौकरानी है, जो अजय से बहुत घृणा करती है, क्योंकि उसे लगता है कि अपनी मालकिन का जो जीवन है वो बर्बाद अगर किसी ने किया है तो उसके पति ने ही किया है। उसके उपरांत देखते हैं कि डॉक्टर जोशी नाम का एक पात्र है। ये डॉक्टर जोशी नाम का पात्र है, इसके साथ शकुन दूसरा विवाह कर लेते हैं, मतलब जब अजय बत्रा में और शकुन बत्रा में
तलाक हो जाता है, संबंध विच्छेद हो जाता है, घटस्फोट हो जाता है, तो वह दूसरा विवाह डॉक्टर जोशी के साथ करती है। अमी और ज्योत, मतलब अमृत और ज्योति, अमृत और ज्योति जिसको शॉर्ट में अमी और ज्योत कहा है, ये डॉक्टर जोशी के पहले पत्नी के बच्चे हैं जिनकी पत्नी गुजर चुकी है। इसके अतिरिक्त कुछ और अन्य पात्र है, मीरा, मीरा एक पात्र है जो जो मतलब शकुंतला बत्रा और अजय बत्रा का तलाक होने के उपरांत, तलाक होने के उपरांत, दोनों का तलाक होने के उपरांत अजय बत्रा जिस लड़की से विवाह करता है उसका नाम मीरा है, उसको भी एक बच्चा हो जाता है। माली और भी छोटे मोटे बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण पात्र इतने ही हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, महत्वपूर्ण पात्र कौन से हैं? पहला मुख्य बंटी है जिसका पूरा नाम आरूप अजय बत्रा है, शकुन यानी शकुंतला बत्रा जो बंटी की माँ है और एक स्कूल की प्रिंसिपल है, अपने पैरों पर खड़ी स्त्री है, स्वतंत्र विचारों वाली स्त्री है। अजय बत्रा, इसका ज्यादा इसमें उल्लेख नहीं किया है क्योंकि बच्चा ज्यादातर माँ के पास रहता है, इसलिए पिता का उतना वर्णन नहीं है, लेकिन पिता के प्रति उसे आकर्षण है। अजय बत्रा एक सफल बिजनेसमैन। वकील चाचा जो अजय बत्रा और शकुन बत्रा का डिवोर्स रोकने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो हो जाता है। और वकील चाचा का वैशिष्ट्य यह है कि वो जब भी आते हैं अपने शकुन के घर, मतलब बंटी के घर जब भी आते हैं, तब वे उसके पापा की खबर लाते हैं, अजय बत्रा की खबर लाते हैं, और उनके द्वारा भेजे गए खिलौने भी लेकर आते हैं। फूफी यह शकुंतला की, शकुंतला या शकुन बत्रा की एक नौकरानी है, एक सेविका है, जो अजय से बहुत नफरत करती है। उसे लगता है कि अजय के गलत विचारों के कारण ही ये बंटी की जिंदगी खस्ता हो चुकी है। अगर अजय चाहता था तो थोड़ा सा अपना अहंकार पीछे रख करके शकुन के साथ यथायोग्य व्यवहार करते हुए बच्चे को बर्बाद होने से रोक सकता था। डॉक्टर जोशी जो जो कि एक बाल रोग तज्ञ है, और बंटी जब बीमार पड़ता है तो उसकी ओर बंटी को वो ले जाती है उनकी ओर, और बंटी को वहाँ ले जाने के उपरांत उन्हें पता चलता है कि वो बंटी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख सकते हैं, और इस दृष्टि से वह डॉक्टर जोशी के साथ विवाह करते हैं। डॉक्टर जोशी विधुर हैं, उनके पति मर चुके हैं, लेकिन उनके दो बच्चे हैं अमी और ज्योत। मेरा एक ऐसा पात्र है जो सबसे उज्ज्वल पात्र है, हालांकि फिल्म में इसे खलनायक के तौर पर दिखाया है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा पात्र है। मीरा सबसे उज्जवल पात्र है, मीरा जो अजय की दूसरी पत्नी है तलाक के बाद। अब हम अत्यंत संक्षेप में आपका बंटी उपन्यास की समीक्षा आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। देखिए, आपका बंटी उपन्यास में मन्नू भंडारी जी ने पति पत्नी के संबंध विच्छेद, जिसको मराठी में घटस्फोट कहा जाता है, उर्दू में तलाक कहा जाता है, अंग्रेजी में डिवोर्स कहा जाता है, उसकी समस्या से जूझता हुआ, अपने माता पिता के तलाक की समस्या से जूझते हुए बंटी के मार्मिक दशा को चित्रित करने का प्रयास किया है। बंटी ये चाहता है कि माता पिता दोनों साथ रहे, पापा और मम्मी, माता पिता यूं कहेंगे आजकल की भाषा में, पापा मम्मी दोनों साथ रहे ऐसा उसे लगता है। वो एक दूसरे से लड़े नहीं, किंतु ऐसा नहीं हो पाता और दोनों में तलाक हो जाता है। बंटी अपने पापा और पापा की दूसरी पत्नी मीरा नाम की स्त्री के साथ भी रहता है। यह सब देख करके शकुन को भी लगता है कि वो भी दूसरी शादी कर ले। देखिए, पहले यहाँ दूसरी शादी कौन कर लेता है? अजय कर लेता है, और उसको उसकी देखा देखी मीरा मतलब शकुन भी दूसरी शादी डॉक्टर जोशी के साथ कर लेती है, जिनके पहले ही दो बच्चे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं। अब देखिए, आपका बंटी में, बंटी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह नई मम्मी नहीं चाहता, मतलब मम्मी में आए हुए बदलावों को नहीं वो झेल पाता, उसे अपनी पुरानी मम्मी चाहिए होती है जो उसके साथ हमेशा सोती थी, लेकिन ये नई मम्मी तो डॉक्टर जोशी के साथ सोती है, तो ये उसे अच्छा नहीं लगता।
और वो पहले की मम्मी, पहले वाली मम्मी उसे पालने में झुलाती थी, उसके गले में वो झूलता था, लेकिन अब वो वैसा नहीं रहा। इसके बाद वो अपने पापा को फोन करके कलकत्ता ले जाने की बात करता है, परंतु वहाँ भी वह वैसा नहीं मिलता जैसा वो जीना चाहता है। सौतेली माँ यानी इस पात्र संपूर्ण उपन्यास में सारे पात्र गलत हैं, लेकिन अच्छा पात्र अगर कोई है तो वो मीरा है, लेकिन वो मीरा को भी अपना नहीं सकता क्योंकि वो अपनी माँ का दर्जा किसी दूसरी औरत को देना नहीं चाहता, सौतेली माँ को पूर्णतः अपना नहीं सकता। बंटी की स्थिति माता पिता वाले अनाथ सी बच्चे बच्चे से हो गए, मतलब अनाथ हो गया है माता पिता के होते हुए भी, मतलब दो दो पापा हैं दो दो मम्मियां हैं, परंतु फिर भी वह अनाथ हैं। और वह बाद में हॉस्टल में अकेली जिंदगी उसे बितानी पड़ती है, और उपन्यास में यह सब कुछ आपको यहाँ दिखाई देता है। इतना ही नहीं, बंटी के माता पिता केवल अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं, पूरे उपन्यास में कहीं भी शकुंतला भी और अजय भी बंटी के बारे में कुछ सोचते नहीं, उसके भविष्य के बारे में सोचते नहीं, उसकी भलाई के लिए सोचते नहीं, और उनके आपसी झगड़े का परिणाम उस बच्चे पर क्या होगा इसके बारे में सोचते नहीं है। और यहाँ माता पिता का बहुत ही स्वार्थी भाव नजर स्वभाव नजर आता है, जिसमें त्याग की भावना नहीं है, जो कि अपने बच्चे के लिए दूसरों की एक दूसरे की गलतियों को भुलाना नहीं चाहते, वो एक दूसरे की गलती को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं। इतना ही नहीं, इस उपन्यास में बार बार एक वाक्य आया है, देखिए कि शकुंतला बंटी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी अपने पति अजय के खिलाफ। ये बहुत ही खतरनाक बात है। हाँ, पति पत्नी में ठीक है कुछ गलतफहमियां होती हैं, कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन इसके लिए पूरे परिवार को बर्बाद कर देने वाले ये तथाकथित उच्चभ्रू सुशिक्षित पढ़े लिखे लोग कितना गलत और घृणित कार्य करते हैं, यह यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। और उपन्यास का जो मूल उद्देश्य है वह खंडित रिश्तों को दिखाना मात्र नहीं, अभी तो उसके बच्चे पर होने वाले दुष्प्रभाव को भी दिखाने की यहाँ कोशिश की गई है। देखिए कि यहाँ पति पत्नी के जो खंडित संबंध है, रिश्ता जो है, मतलब रिश्ता टूट जाना, पति पत्नी पति पत्नी के तौर पर नहीं अजनबी की तरह रहना, या फिर एक दूसरे से तलाक लेकर के अलग रहना, ये केवल एक पुरुष एक स्त्री के खंडित जीवन का नहीं, अपितु तो उसके दुष्प्रभाव जो होता है बच्चे पर, उसको लेकर के यहाँ अधिक चर्चा की जा सकती है, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हुआ कहानी का सार। अब इसके शिल्प पक्ष में भी हमें झांकना पड़ेगा कि इसका जो सबसे ताकतवर पहलू है इस उपन्यास का, वो है संवाद। संवाद बहुत संक्षिप्त है, सरल है, आकर्षक है, भाषा पात्रों के अनुरूप है। उपन्यास में अंग्रेजी भाषा के शब्द कुछ आए हैं, संस्कृत के तत्सम शब्द आए हैं, संस्कृत के तद्भव शब्द आए हैं, उर्दू फारसी अरबी के भी कुछ शब्दों का प्रयोग करने का प्रयास किया है, और भाषा में मनोवैज्ञानिकता और मनोविश्लेषण अपने आप दिखाई देता है। तो एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि चलते चलते कि यह एक सच्ची घटना है। आप कहेंगे सच्ची घटना कैसी है, तो सच्ची घटना यह है कि मन्नू भंडारी जी के पति का नाम है राजेंद्र यादव, और राजेंद्र यादव के एक मित्र है मोहन राकेश, जिनका जो जो भी एक महत्वपूर्ण साहित्यकार थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह साहित्यकार के रूप में बहुत प्रसिद्ध थे राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश। इन तीनों ने मिलकर के नई कहानी या समांतर कहानी का सृजन करने का प्रयास किया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसलिए आपको ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि ये किसका जीवन है, मतलब ये अजय बत्रा कौन है और शकुन बत्रा कौन है। तो ये सच्चाई है कि अजय बत्रा और शकुंतला बत्रा ये कोई और नहीं, अपितु
ये कोई और नहीं अपितु स्वयं मोहन राकेश और उनकी पहली पत्नी का नाम है, पहले पत्नी के रूप में चित्रित ये लोग हैं। आज लगभग 9:28 हो रहे हैं, आज थोड़ी गड़बड़ हो गई। कल की तास कल तो नहीं है आपकी तासिका, अगले सोमवार से जो हमारी तासिकाएं होंगी 8:40 की, अगर आप चाहते हैं तो 10 बजे की भी तासिका मैं ले सकता हूँ। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ रुक जाते हैं 10 बजे। जोशी सर जी अगर ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर वो नहीं ले रहे हैं तो हम मुन्नू भंडारी जी के परिचय की ओर आपको ध्यान आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।